हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू ओ टू आई एस अकेडमी यूट्यूब चैनल सो हेयर वी आर विद वन मोर टॉपिक इन आर पॉलिटी बाई सीरिज तो अभी हम कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स एंड टूडे विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर आर फंडामेंटल राइट्स ओके सो आज का जो टॉपिक होगा आज के जो हमारे आर्टिकल्स होंगे दैट इज़ फ्राम आर्टिकल थर्टी थ्री टू थर्टी फाइव Okay, so to download the PDF of this particular lecture and other lectures of this particular series, you can follow us on our Telegram channel of 2 Academy. Plus, you can also download our app in which uh, you can download the PDFs of this Polity Byte series plus other study material of other subjects also. So, do download our app and follow us on Telegram channel. सो लेट स्टार्ट विद टूडेज टॉपिक दैट इज आर्टिकल थर्टी थ्री टू थर्टी फाइव हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था आर्टिकल नंबर थर्टी टू ओके जिसमें आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि हमने आर्टिकल थर्टी वन मिस किया था वो मैं अभी आपको इस लेक्चर में वो भी आपको कंप्लीट करा देंगे एंड एक और चीज़ इसमें मिस हुई थी जो हमारे बाकी लेक्चर्स में दैट विल ऑल्सो बी कम्पलीटेड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर सो टूडे दिस विल बी अ लास्ट लेक्चर फॉर आर फंडामेंटल राइट्स ओके सो लेट्स स्टार्ट विद आर आर्टिकल्स सो फर्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू आर्टिकल नंबर 33 जो बेसिकली बोलता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है आर्म्ड फोर्सेस, पार्लियामेंट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड एनालॉगस फोर्सेस के ऊपर रोक लगाने के लिए उनके फंडामेंटल राइट्स लेने के लिए ओके सो देखिए पहले जब हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर थर्टी थ्री तो किस किस के ऊपर अप्लाई होगी हमने जनरल एक स्टेटमेंट पढ़ा लेकिन सी पहला है आर्म्ड फोर्सेस लेकिन इन सब लोगों पर क्यों पहले हमारा क्वेश्चन आएगा कि हमें पार्लियामेंट से या पार्लियामेंट को ऐसी पावर देने की जरूरत ही क्यों पड़ी कि एक पर्टिकुलर सिटीजन वो भी तो हमारे सिटीजन है तो उनका फंडामेंटल राइट क्यों वैलिड हो देखिए चाहे आर्म्ड फोर्सेज हैं चाहे पुलिस है ये सब हम पर किस लिए काम करते हैं ये काम करते हैं सिक्योरिटी ऑफ द नेशन के लिए ठीक है तो इन सब लोगों के हमें कहीं ना कहीं कुछ अधिकार जो मौलिक अधिकार हैं जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमें उन रोक लगानी पड़ती है ताकि हमारे देश की सिक्योरिटी रहे जैसे कि उनके कम्युनिकेशन के ऊपर अगर आप आर्मी में हैं तो कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत सी रोक होती है तो वो इसलिए ताकि हमारे जो इंडिया की सिक्योरिटी है वो सही रहे सो so, किस पे अपलाइड है वन इज फॉर आर्म फोर्स आर्म फोर्स में आर्मी आ गया बाकी चीजें आ गई फोर्स चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर्स लाइक पुलिस एंड पैरामिलिट्री ठीक है जैसे आपके स्टेट में पुलिस है आपके डिस्ट्रिक्ट में पुलिस है आपके शहर जो पुलिस फंक्शन करती है उनके पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट्स को भी इसमें डाला जाता है प्लस इंटेलिजेंस एजेंसीज जो काम कर रही हैं उनके लिए अच्छा जो हमने पढ़ा कि आर्म्ड फोर्सेस उसमें एक और चीज़ भी है वो है मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड होंगे ये लोग भी हैं इनके भी फंडामेंटल मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मतलब कौन हो गए जो उसमें कुक्स होंगे या जो पर्टिकुलर आर्मी के अंडर काम कर रहे हैं लोग बाबर्स हो गए जो कम्युनिकेशन के रिलेटेड लोग होते हैं इन सबके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर भी रोक लगाई जाती है और इसके पावर किसके पास है वो है हमारे पार्लियामेंट के पास ठीक है नेक्स्ट इज सेम किस लिए अच्छा, वही मैंने आपको बता दिया कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए उसको अगर हम एग्जाम्पल से समझें राइट टू फॉर्म एसोसिएशन हमारा फंडामेंटल राइट है लेकिन अगर आप आर्मी में हैं आपके पास ये राइट नहीं है जब तक आप अपनी जॉब पे हैं आप अपनी ड्यूटी पे हैं यू कैन नॉट फॉर्म द एसोसिएशन मान लीजिए आपकी आपकी जो पुलिस है आपकी शहर की वो किसी चाहे वो उस मुद्दे से सेटिस्फाई भी करते हैं लेकिन अगर वो जॉब पे हैं तो वो उस पर्टिकुलर एसोसिएशन में या किसी भी चीज़ में पार्ट नहीं ले सकते हैं ठीक है सो आप बोलेंगे दैट इज़ अ वायलेशन नो दैट इज़ नॉट अ वायलेशन इट इज़ फॉर द सिक्योरिटी ऑफ जब वो उस जॉब में पर्टिकुलर जॉब में जाते हैं तो ये सब चीजें पहले ही क्लियर कर दी जाती हैं नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर थर्टी फोर यह बोलता है प्रोवाइड फॉर द ऑन द रिस्ट्रिक्श किस पे मार्शल लॉ पे बेसिकली वट इज मार्शल लॉ मार्शल लॉ है मिलिट्री का रूल मान लीजिए कुछ ऐसा कोई आ, हमारा ये एक एमरजेंसी कंडीशन है जब कब आती है जब हमारे कोई वॉर चल रहा है ठीक है कोई बहुत बड़ा वॉर हो गया हमारा किसी देश के साथ ठीक है लेकिन उसमें एमरजेंसी भी हम लगा सकते हैं ठीक है एमरजेंसी हम किसी पार्ट पे भी लगा सकते हैं पूरे नेशन पे भी लगा सकते हैं मान लीजिए आपने एमरजेंसी लगा दी इस पूरे पार्ट पे ठीक है पूरे इंडिया में एमरजेंसी लागू है लेकिन कोई एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है वो कंट्रोल में आ ही नहीं रही है तो उस टाइम पे मार्शल लॉगा लॉ लगा दिया जाता है मार्शल लॉ मींस कंप्लीट मिलिट्री रूल पूरी की पूरी पावर आर्मी को दे दी जाती है जिसमें अगर मान लीजिए आर्मी का जब रूल आ जाएगा तो अगर कोई इंसान जा रहा है और अगर आर्मी को लगेगा कि नहीं इस पर्टिकुलर ये इंसान आगे

आर्टिकल सॉरी मार्शल लॉ ठीक है तो इसमें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑन फंडामेंटल राइट सी इसमें टोटली totally, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं टोटली कंप्लीटली ख़त्म हो जाते हैं जब हम इमरजेंसी लगाते हैं उस टाइम पे आर्टिकल 20 और 21 हमारे फिर भी जिंदा होते हैं दैट इज़ पर्सन टू लाइफ एंड लिबर्टी बट वेन इट कम्स टू आर्टिकल थर्टी जब मार्शल लॉ लग जाता है उस टाइम पे आपके पास कोई भी फंडामेंटल राइट right नहीं रहता है ठीक है so, सो इसमें बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि वेन इट कम्स टू तो द मार्शल लॉ उस टाइम पे आप सिर्फ एक रेट इशू कर सकते हैं दैट इज हेबियस कॉर्पस ये इस टाइम पे सस्पेंड नहीं होती है सो दैट इज ऑल अबाउट द आर्टिकल 34. नाउ इट कम्स टू द आर्टिकल 35. फाइव अब आर्टिकल 35 क्या देता है पार्लियामेंट को पावर देता है कुछ चीजों में लॉ बनाने का सो so, ये भी डिफाइंड है दो केसेस में ठीक है कि इसमें किस किस चीज के लिए पार्लियामेंट को पावर दी जाती है सो पहली पावर जो है वो है इन पर्टिकुलर चीजों में अगर कोई भी लॉ बनेगा इन आर्टिकल्स में ठीक है तो किसके पास पावर है पार्लियामेंट के पास पावर है इसके लिए लॉ बनाने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर के पास इसके लिए कोई भी पावर नहीं है इट मीन्स वेन इट कम्स टू द आर्टिकल सिक्सटीन जो हमने पढ़ा था दैट इज पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर मान लीजिए एग्जाम्पल्स तो आर्टिकल सिक्सटीन तो आपको याद होगा एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल हमने पढ़ा था तो इसमें एग्जाम्पल क्या है कि अगर आपने पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कोई करनी है उसके ऊपर अगर आपको कुछ भी नई चीज ऐड करनी है या कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी कुछ भी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है तो सुप्रीम कोर्ट और के लिए. लेकिन अगर किसी और कोर्ट को उसके ऊपर बनानी है कोई रिटर्न पावर देनी है तो यह पावर भी कौन दे सकता है ना सुप्रीम कोर्ट दे सकता है ना कोर्ट दे सकता है यह पावर दे सकता है पार्लियामेंट ठीक थर्टी थ्री फोर्स रिस्ट्रिक्शन मतलब जो जो हमारी आर्टिकल अभी हमने किया कि हमारे हैं हैं ठीक है, है इन सब पे अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगानी है कोई भी चेंजेस करने हैं इनको uh, violations में कुछ भी वो किसके पास पावर है सेम एज विद आर पार्लियामेंट सेम एज इन केस ऑफ आर्टिकल थर्टी फोर अगर मार्शल लॉ लगा है उसमें क्या एक्ट्स होंगे क्या लॉज होंगे क्या रेगुलेशन होंगे कुछ भी इन सब चीजों में हमें कौन ध्यान रखना है इसमें सिर्फ पावर है uh, हमारी पार्लियामेंट के पास एक चीज ध्यान रखिएगा अभी हमने पढ़ा लास्ट आर्टिकल जब हमने दिया था ये वाला तो इसमें हमने देखा कि ये सब चीजें लेकिन अभी ध्यान रखिएगा इन पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शंस को लगाने के लिए भी कुछ एक्ट्स और कुछ लॉज आते हैं हो सकता है कोई नेवी का एक्ट आया हो कोई आर्मी का एक्ट हो आया हो तो उस पर्टिकुलर एक्ट के अंडर इन फंडामेंटल राइट्स को ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी नेवी का इंसान या कोई भी आर्मी का जो वहाँ पर एम्प्लॉयड है वो उठ के जाएगा कि नहीं आ, मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया है तो आप इसको देखें नहीं ऐसा नहीं है सो तो ऐसा अगर जो अगर कोई एक्ट पार्लियामेंट ने पास कर दिया है तो उसके बाद किसी के पास भी पावर नहीं है मतलब उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयड पर्सन के पास वो पावर नहीं है कि वो जा के सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करे कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है ठीक है so, सो एक हमने पढ़ा कि लॉज बनाने की जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है सेकेंड जो उनका एस्पेक्ट है दैट इज टू द पनिशमेंट ठीक है हमने पढ़ा एक एब्सोल्यूट राइट right, हमने अनटचेबिलिटी को लेकर पढ़ा था एक हमने पढ़ा था ह्यूमन बीइंग्स के ट्रैफिकिंग के लिए ये हमने पढ़ तो लिया लेकिन इनके ऊपर लॉज कौन बनाएगा तो इन दोनों लॉज आर्टिकल्स के लिए, आर्टिकल नंबर 17 और आर्टिकल नंबर 23 इन दोनों के लिए जो पनिशमेंट्स है वो क्वांटिफाईन करेगा वो हमारा डिफाइन करेगा पार्लियामेंट सो so दैट इज ऑल अबाउट अब हमारे यहां पर आके सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म होते हैं ठीक है 33 हमने पढ़ ले 33 इज फॉर फोर्सेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए 34 फोर इज रिलेटेड टू मार्शियल लॉ और 35 पावर देता है पार्लियामेंट को इन दो एस्पेक्ट्स में लॉज बनाने के लिए पनिशमेंट और जो हमने आर्टिकल्स अभी देखे एक चीज हमने देखा कि आर्टिकल थर्टी वन हमने नहीं पढ़ा सो हम अभी हम यहाँ पे एक बार देख रहे हैं राइट टू प्रॉपर्टी ये पहले कहाँ था ये पहले इंस्क्राइब था इन दोनों आर्टिकल्स में लेकिन विद कमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फोर्टी फोर्थ इन नाइनटीन सेवेंटी एट इसको यहाँ से डिलीट कर दिया गया और ये बन गया हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल थ्री हंड्रेड ए अब ध्यान रखिएगा ये बहुत बार क्वेश्चंस में एक नॉर्मल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले कौन से आर्टिकल में था इट वाज अंडर आर्टिकल 31 वन क्लॉज एफ ये दो में था ठीक है फोर्टी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नाइनटीन के बाद इसको डिलीट करके थ्री ए एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इसको बना दिया गया सो आर्टिकल थर्टी की जर्नी से 300 ए तक पहुंचा कैसे पहुंचा फोर्टी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको ध्यान रखिएगा ना नेक्स्ट इज एक और हमने टर्म मिस की थी दैट वॉज यूथनेशिया ये बहुत बार न्यूज में भी रहता है सो so, ये हम पढ़ते हैं आर्टिकल ट्वेंटी वन जिसमें हमने पढ़ा था लाइफ राइट टू डाई ये वो सब जिसमें मैंने आपको एक पूरी स्लाइड में दिखाया था कि किस किस तरह के राइट्स हमारे अंडर उसमें एप्लीकेबल हैं सो so, यूथनेशिया एक टर्म है सो so, यूथनेशिया में हम इसको पढ़े तो so, इस यूथनेशिया का अगर हम इसको वर्ड का तोड़ के पढ़े तो यू मीनस गुड थनेशिया मीन्स डेथ ठीक है तो उसका मतलब है गुड डेथ तो ठीक है ये है दो टाइप्स का दैट इज एक्टिव यूथनेशिया एंड पैसिव यूथनेशिया तो पहले आप इनका डिफरेंस देखिए तो आपको

comes to the passive euthanasia that is intentional death by not providing essential care, food, water, and discontinuing withdrawing or removing artificial life support system. है कहीं पर भी है अगर उसकी विल के अकॉर्डिंग वो नहीं है या तो वॉल्ट्री बेसिस हो सकता है या पर्टिकुलर जो कंसर्न पर्सन है जो रिलेशन में कुछ भी बहुत डिटेल में आपको जानने की जरूरत है डेफिनेशन और ये टर्म्स ठीक है कई बार ये यूज होती है सो so, इंडिया में क्या अलाउड है इंडिया में अलाउड है ये वाला पैसिव इथनेशिया जो हमारा एक्टिव इथनेशिया वो हमारे इंडिया में अलाउड नहीं है सो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं एक्टिव इथनेशिया विच इज लीगल इन ऑनली अ फ्यू कंट्रीज इंटेल्स द यूज ऑफ सबस्टांसिस टू एंड द लाइफ ऑफ अ पेशेंट एंड पैसिव इज सिंपली स्टॉपिंग लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट और मेडिकल इंटरवेंशन विद द कंसेंट ऑफ द पेशेंट और अ फैमिली मेंबर और अ क्लोज फ्रेंड रिप्रेजेंटिंग द पेशेंट तो अभी ये चीजें ध्यान रखेगा सो so, ये जो यूथेनेशिया वाला कंसेप्ट है इसमें आप एक चीज है ये पिंकी विरानी केस है 2018 का ये केस है जिसमें इसको लीगल किया गया था और जिसमें एक वर्ड यूज किया दैट वाज लिविंग विल तो इसके अकॉर्डिंग एडल्ट इन हिज कॉन्शियस माइंड इज परमिटेड टू रिफ्यूज मेडिकल ट्रीटमेंट और वॉलंटरी डिसाइड नॉट टू टेक मेडिकल ट्रीटमेंट अगर कॉन्शियस माइंड में नहीं है तो वही कोई फैमिली मेंबर या कोई भी उस पर्टिकुलर चीज को प्रैक्टिस करने के लिए बोल सकता है ठीक है तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वो आर्टिकल ट्वेंटी के अंडर फॉल नहीं करेगा कि उसका वायलेट हो गया सो दैट इज ऑल अबाउट आर दिस फंडामेंटल राइट चैप्टर ठीक है हमने हर

So, पहला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द आपको देखना केस में सुप्रीम कोर्ट केस में सो इट इज एन ऑर्डर इशूड बाई अट अर्सन डिटेन्ड अनादर पर्सन टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ द लेटर बिफोर इट तो हमने जब हेबियस कॉपर पढ़ा था तो हमने उसका जो मतलब पढ़ा था वो पढ़ा था टू हैव द बॉडी ठीक है तो अगर आपको याद है तो अपना ये पहला स्टेटमेंट आप इसको सही प्रूव कर देंगे मतलब सही करेंगे सो दिस रिट कैन इशूड अगेंस्ट ओनली पब्लिक अथॉरिटीज नो हमने उसमें क्या पढ़ा था पब्लिक अथॉरिटीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स ठीक है सो इसका आंसर क्या होगा आंसर विल बी ए तो ये भी इसमें ही है। नेक्स्ट इज अ हायर कोर्ट क्वेश्चन द ऑर्डर ऑफ अ ट्रिब्यूनल ऑन ग्राउंड ऑफ लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इशूड वॉज द डिसीशन टेकन पहला वाला हमने देखा उसमें हमने बोला कि उस पर्टिकुलर रिट के अंडर क्या किया जाएगा कौन से उसके प्रोविजन से हैं बट वेन इट कम्स टू इस क्वेश्चन में तो आप देखेंगे इसमें डायरेक्टली आपसे पूछा गया है कि ये कौन से रेट है तो जब है मैंने इसमें आप सिर्फ आप आपको तीन वर्ड्स के ऊपर आप इस आंसर को दे सकते हो दैट इज क्वेश्ड द ऑर्डर थीके? जब हमने पढ़ी थी, मैंने आपको प्रोहिबिशन और सरशुरारी का फर्क बताया था और में मैंने आपको एक चीज बोली थी कि अगर जो कोई ऑर्डर आ आ चुका है, आ है, फाइनल जजमेंट चुकी उस पर्टिकुलर ऑर्डर को भी जब कैंसल आउट करके रिट uh, अप्लाई करे तो उसको क्या बोलते हैं दैट इज आर विल बी नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो तो जब हमने माइनॉरिटीज़ का कंसेप्ट पढ़ा था तो हमने एक चीज़ देखा था कि माइनॉरिटीज़ जो है वो पर्टिकुलर केसेस के साथ जुडिशियल उस दिन भी मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन ना वो कहाँ से हम पढ़ते हैं लास्ट में आके हम पढ़ते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को जुडिशियल की जो जजमेंट्स आती हैं जुडिशरी के थ्रू ठीक है सो दिस तो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और लिंग्विस्ट माइनॉरिटीज तो डिफाइन नहीं है मार्शल लॉ इज़ ऑल्सो नॉट प्रॉपरली डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन की वो उसके अंदर क्या आएगा क्या नहीं आएगा सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज वन टू एंड थ्री नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल नंबर ट्वेल्व देखिए अब ये कैसी चीज है जो अगर जब मैंने आपको आर्टिकल 12 बताया था ये बहुत डिटेल में मैंने आपको करवाया था कि स्टेट के अंदर लेजिसलेटिव लोकसभा राज्यसभा ये सब तो आपको पता है बट दो चीजें हमने और पढ़ी थी अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं सो फर्स्ट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन देन ओ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड सुप्रीम कोर्ट इन जुडिशियल कैपेसिटी इस पर्टिकुलर चीज़ को आप ध्यान से अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बोला था कि जब बात आएगी जुडिशरी की स्टेट के अंदर तो हम इसको करेंगे दो एस्पेक्ट्स में वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट होगा दूसरा होगा जुडिशरी व्हेन इट कम्स टू द एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट यस इट विल बी कवर्ड अंडर द स्टेट्स डेफिनेशन बट वेन इट कम्स टू द जुडिशरी कैपेसिटी तो उसको हम इसमें कवर नहीं करेंगे बाकी एल आई एंड सेल ये तीनों तो इसमें है रिजन बिंग ये गवर्नमेंट के लिए ही काम कर रही हैं हां यहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी होता तो ये भी इंक्लूड होता आपके आंसर में नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू आर्टिकल सिक्सटीन पर्टिकुलर आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चन है दैट इज द हेड ऑफ अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन शैल बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर रिलीजन ठीक है तो जब हमने बोला था उसमें एक्सेप्शन हमने बोला था कि बाकी एम्प्लॉयमेंट्स में आप ये नहीं कर सकते लेकिन जब बात आती है किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को करने के लिए अगर आ, कोई गुरुद्वारा है उसका जो हेड होना चाहिए वो सिख ही होना चाहिए तो उसमें कोई भी गलत बात नहीं है इट इज अलाउड तो ये पहली स्टेटमेंट तो आपकी सही होगी सेकेंड स्टेटमेंट इज रिजर्वेशन इन प्रोमोशन इज प्रोवाइडेड फॉर एस सी एस टी एंड

ओके सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर दिस क्वेश्चन इससे आपको सिर्फ एक वराइटी पता लगी होगी कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इट कैन डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोविजंस मैंशन टू द सम पर्टिकुलर आर्टिकल एक्सेप्शन ठीक है uh, किस पे कौन सी चीज़ अप्लाई होती है इन सब चीज़ों पे आपको क्वेश्चन आना चाहिए कभी कभी कुछ टर्म्स के ऊपर भी क्वेश्चन आता है सो फंडामेंटल राइट्स चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू आपको अपने किसी भी एग्जाम में ये यह, यहाँ पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा तो इट विल बी द पार्ट ऑफ योर एनी ऑप्शन अंडर योर पॉलिटी क्वेश्चन सो दैट्स ऑल फॉर दिस फंडामेंटल राइट चैप्टर अब नेक्स्ट इस सीरीज में हम नेक्स्ट कोई और चैप्टर स्टार्ट करेंगे ठीक है बट जस्ट आई जस्ट होप कि आपको फंडामेंटल राइट्स चैप्टर बहुत क्लियर से अच्छे से क्लियर हो चुका होगा थैंक यू सो मच होप यू लाइक ऑल दिस लेक्चर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड यू आर ऑल्सो लाइकिंग दिस पॉलिटी बाइट्स सीरीज बिकॉज इन ड्यू कोर्स यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर फुल पॉलिटी कोर्स इन दिस बेट्स ओके थैंक यू सो मच